दोस्तों मैं हूं मयंक और आपका स्वागत है मयंक मोटो पावर यूट्यूब चैनल में। फाइनली आपके सामने आ चुकी है 2024 मॉडल TVS N-Torq 125 XT एडिशन E20 OD2 अपडेट के साथ इंडिया का पहला स्कूटर जिसमें आपको ढेर सारे फीचर मिल जाते हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कंपनी ने क्या क्या ऐसे नए फीचर अपडेट किए हैं, साथ में माइलेज, टॉप स्पीड और नई ऑन रोड कीमत क्या होने वाली है। सारी जानकारी फुल डिटेल में इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करेंगे स्कूटर के फ्रंट प्रोफाइल से, तो फ्रंट से कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको लुक दिखने वाला है। आगे की साइड चलते हैं तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का वाइजर दिया गया है। एक्स कनेक्ट की यहाँ पर आपको वेजिंग देखने को मिल जाती है। बॉडी माउंट टर्न इंडिकेटर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं जो कि हेलोजन में दिए गए। नीचे की साइड में आपको TVS की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है जो कि 3D में दी गई है। यहाँ पर लगेगी आपकी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। एप्रेन के ऊपर आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर यहाँ पर आपको दिया गया है। बाकी यहाँ से आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का लुक आपको स्कूटर का दिखने वाला है। अगर हेडलाइट की बात करें तो यहाँ पर आपको स्प्लिट LED हेडलैम्प का पूरा सेटअप मिल जाता है। LED DRLs यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। नीचे आपको हाई भी मिल जाएगी, ऊपर में आपको लो भी मिल जाती है। यहाँ से मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ। दोस्तों नाइट में आपको ठीक ठाक सी रोशनी इस स्कूटर में से मिलने वाली है। बाकी साइड में आप देख सकते हो आपको डुअल टोन कलर में N-Torq का स्टिकर देखने को मिल जाएगा। दोनों ही साइड में आप देख सकते हो आपको कुछ नए से ग्राफिक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि डुअल टोन कलर में है। बाकी अगर मडगार्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको डुअल टोन कलर में मडगार्ड मिल जाता है ग्लॉसी ब्लैक कलर और लेमन ग्रीन कलर के साथ, जो कि काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का यहाँ पर आपको मडगार्ड दिया गया है। आगे में आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। बाकी गोल्डन कलर के कैलिपर यहाँ पर आपको दिए गए हैं। 240 mm की आगे में आपको डिस्क मिल जाती है विद कॉम्बी ब्रेकिंग के सेटअप के साथ। आगे वाला टायर आपको 80/112 प्रोफाइल का मिलता है। ट्यूबलेस टायर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 12 इंच की ब्लैक कलर की अलॉय व्हील के साथ। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे वाले साइड प्रोफाइल की, तो साइड से कुछ इस तरीके का लुक दिखने वाला है। इस स्कूटर की ग्राउंड क्लियरेंस है 155 mm की। बाकी TVS रेसिंग की ब्रांडिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है। लेग स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ज्यादा लेग स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों पानी की बोतल वगैरह आसानी से नहीं आ सकती है। दोस्तों इस स्कूटर में आपको ग्लव बॉक्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ इस तरीके का डिजाइन यहाँ पर आपको दिया गया है पैर वगैरह रखने के लिए। बाकी यहाँ पर आपको कैरी हुक मिल जाता है बैग वगैरह लटकाने के लिए, यहाँ से आप देख सकते हो। यहाँ से मैं चाबियां दिखा देता हूँ आपको। नॉर्मल सी की ऑफर की जाती है TVS की ब्रांडिंग के साथ, यहाँ पर आपको चाबी मिल जाती है। बाकी मैं यहाँ से इग्निशन ऑन करता हूँ। इग्निशन ऑन करने के बाद मीटर कंसोल की साइड चलते हैं तो यहाँ पर आपको ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल का पूरा यहाँ पर आपको सेटअप दिया गया है। दोस्तों फीचर्स आपको भर भर के यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटिंग इंडिकेशन, हेडलाइट की इंडिकेशन, फ्यूल के यहाँ पर आपको दिया गया है, चेक इंजन की इंडिकेशन यहाँ पर आपको मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, टाइमर यहाँ से आप टाइम लैप्स वगैरह देख सकते हो। फ्यूल गेज यहाँ पर आपको दिया गया है। बाकी इस स्कूटर में आपको दोस्तों GPS नेविगेशन मिल जाता है, हेलमेट रिमाइंडर मिल जाता है, इसमें आपको फूड डिलीवरी नोटिफिकेशन देख सकते हो, ई कॉमर्स नोटिफिकेशन वगैरह, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन भी इस स्कूटर में आप देख सकते हो। फीचर दोस्तों आपको इस स्कूटर में काफ़ी भर भर के मिल जाएंगे। 95 प्लस की टॉप स्पीड मिल जाती है, 50 प्लस का माइलेज इस स्कूटर में आपको मिल जाता है। साइड मिरर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के साइड मिरर यहाँ पर आपको दिए गए हैं। पासिंग अपर डिपर का बटन, टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का यहाँ पर आपको बटन मिल जाता है। दूसरी साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑटो मोड का बटन दिया गया है, हैजार्ड का बटन यहाँ पर आपको मिल जाता है, सेल्फ स्टार्ट का बटन यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ से मैं साउंड चेकआउट करा देता हूँ कैसा है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों कैसा लगा एग्जॉस्ट साउंड आपको। इसी स्कूटर के सीट हाइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 770 mm की सीट हाइट मिल जाती है। बाकी कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको सीट मिल जाती है। कंफर्ट की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको काफ़ी मुलायम सीट मिल जाती है। सीट की जो कुशनिंग है दोस्तों काफ़ी सॉफ्ट यहाँ पर आपको मिलने वाली है, यहाँ से आप देख सकते हो। बाकी स्प्लिट में आपको ग्रैब हैंडल यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको E20 की वेजिंग देखने को मिल जाएगी, E20 OD2 वाला बिल्कुल ही लेटेस्ट मॉडल देख रहे हो। दोस्तों इस स्कूटर में आपको 5.8 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी जाती है। साइड वाले हिस्से की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको N-Torq 125 XT की वेजिंग यहाँ पर आपको दी गई है। बाकी यहाँ से आप देख सकते हो आपको कुछ इस तरीके से ग्राफिक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि देखने में काफी प्रीमियम लग रहे हैं। एडजस्टेबल यहाँ पर आपको एल्युमिनियम के फुटरेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। बाकी एग्जॉस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से डिजाइन में यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट दिया गया है। बाकी मेटल बॉडी का यहाँ पर आपको मफलर गार्ड मिल जाता है ऊपर पे आप देख सकते हो। बैक से कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको लुक दिखने वाला है स्कूटर का, यहाँ से आप देख सकते हो। बाकी सिग्नेचर टी शेप में यहाँ पर आपको LED टेल लाइट मिल जाती है, कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। बॉडी माउंट टर्न इंडिकेटर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं जो कि हेलोजन में यहाँ पर आपको दिए गए। TVS की ब्रांडिंग मिल जाती है, छोटा सा रिफ्लेक्टर यहाँ पर आपको दिया गया, मडगार्ड थोड़ा सा यहाँ पर आपको चौड़ा सा देखने को मिल जाता है। रियर में आपको टॉगल लिंक गैस फिलर हाइड्रोलिक डैम्पर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। पीछे में आपको 110/80/12 प्रोफाइल के ट्यूबलेस टायर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 12 इंच की ब्लैक कलर की अलॉय व्हील के साथ। पीछे में आपको 130 mm की ड्रम ब्रेक का यहाँ पर आपको सेटअप दिया गया। इंजन डिटेल की बात करें तो यहाँ पर आपको 124.8 cc
गीगा एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक BS6 कंप्लाइंट FI इंजन दिया गया है, जो कि 9.2 PS की मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 7000 RPM पर और 10.5 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 5500 RPM पर। इंजन पहले से काफी रिफाइन कर दिया गया है दोस्तों इस स्कूटर का। बाकी यहाँ पर आपको फुटरेस्ट मिल जाते हैं जो कि फोल्डेबल दिए गए हैं, लेडीज पिलियन के लिए काफी अच्छे हैं। एडजस्टेबल आपको राइडर फुटरेस्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, यहाँ से आप देख सकते हो। साइड स्टे इंजन कट ऑफ का फीचर भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। बाकी मेन स्टैंड भी यहाँ पर आपको दिया गया है दोस्तों। इस स्कूटर में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, USB चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। इस स्कूटर का जो कर वेट है 110 किलोग्राम का है। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। 2024 मॉडल TVS Ntorq 125 XT एडिशन डिस्क वाले मॉडल की एक्स शोरूम प्राइस है 1,06,871 रुपए, 1,06,871 रुपीज। ऑन रोड प्राइस है 1,26,000 रुपए, 1,26,000 रुपीज। दोस्तों ये प्राइस मैंने आपको बताई है श्री राधा माधव TVS राधिका व्यास सोंक रोड मथुरा की। अगर आप TVS की कोई भी बाइक या स्कूटर खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस वगैरह मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।